दोस्तों, माय सेल्फ योगेश शर्मा फिर से आपके अपने चैनल फेयर इंग्लिश क्लासेस में आपका मैं स्वागत करता हूँ। और जहाँ तक इस वीडियो का सवाल है, जो ये वीडियो बन रही है, ये टॉपिक जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, पिछला टॉपिक मैंने इसी का डाला था, नोटिस का। तो डिमांड आई कि नोटिस में एक लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्म भी होती है, सर उसको डाल दीजिए। तो उस डिमांड पर मैं इसको डालने जा रहा हूँ, इसको बताने जा रहा हूँ आपको। और एक ही उसमें, एक ही लैंग्वेज में इस तरह से मैंने इसको ड्राफ्ट किया है कि एक ही लैंग्वेज में दोनों लॉस्ट और फाउंड दोनों को कवर अप किया जा सकता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, लास्ट तक देखेंगे बड़े आराम से। यदि आपकी कोई चीज लॉस्ट है तो लॉस्ट पर आप नोटिस ले सकते हैं, कोई चीज आपको फाउंड हुई है तो उस पर नोटिस ले सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आपको लास्ट तक वीडियो देखना होगा, एक शर्त है, ब्लैकमेलिंग नहीं है, केवल शर्त ही है। तो देखते हैं, नोटिस जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये 3 मार्क्स का आता है। अब फिलहाल में इसके 3 मार्क्स हैं, और 3 मार्क्स का मैं आपको बता दूं कि किस तरह से वो 3 मार्क को डिवाइड किया गया है। 1 मार्क क्या है, 1 मार्क का है आपका फॉर्मेट, 1 मार्क का है कंटेंट, और आपका 1 मार्क का है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जिसमें आपकी ग्रामेटिकल प्रिपेयरनेस देखी जाती है कि आप ग्रामेटिकली कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये इस तरह से 3 मार्क्स का होता है। अच्छा, पिछला जो वीडियो बताया बनाया था हमने, पिछली जो आपको नोटिस बताया था, तो उस नोटिस में हमने एक फॉर्मूला लिखा था, है? और वो फॉर्मूला क्या था, हमने बताया था ओ एन, फॉर्मूला बताया था क्या, ओ एन डी एच ए, और इसके बारे में बताया था ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। दोबारा से मैं बता रहा हूं, जिन फ्रेंड्स का मामला छूट गया हो किसी तरह से वीडियो हो तो इसमें देख सकते हैं। एन से नोटिस होता है, डी से डेट होती है, और एच से हेडिंग होगी, ठीक है, और ए से एनोदर थिंग होगी, एनोदर स्टॉक हो गया, ठीक है। तो इसको हम इस हेडिंग को, सॉरी इस जो ट्रिक है, इसको यदि हम अप्लाई करते हैं तो बड़े आराम से हम नोटिस को लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से नोटिस को लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ओ से, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इट मींस ऊपर जब आप नाम लिखेंगे तो या तो किसी नेम ऑफ स्कूल, या तो स्कूल का तरफ से नोटिस लिखा जा रहा है तो या तो स्कूल का नाम होगा, या किसी ऑर्गेनाइजेशन मींस किसी सोसाइटी का नाम, किसी क्लब का नाम, वो आपको नाम लिखना होगा। वन लाइन का आपको गैप देना होगा, गैप देने के बाद में फिर नोटिस लिखना होगा, ठीक है। और नोटिस के बाद में फिर लेफ्ट में आपको डेट डालनी होती है, और उसके बाद में फिर हेडिंग। इस बात का ध्यान रखना है आपको कि यदि फाउंड सिस्टम है, मींस यदि कोई चीज आपको फाउंड हुई है तो आप केवल फाउंड 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 लिख देंगे, ठीक है। इस हेडिंग की जगह पर क्या लिखा जाता है, फाउंड, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, फाउंड फाउंड। कोई चीज लूज हुई है तो आपको क्या लिखना है, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। इतना ध्यान रखना है कि यदि फाइंड हुई है तो फाउंड फाउंड फाउंड, और लूज हुई है तो लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। अब इसकी कॉमन लैंग्वेज तैयार की हमने, और वो जो कॉमन लैंग्वेज है उसको आप यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से उसको समझ पाएंगे और बहुत मजे से लिख पाएंगे। कैसे, देखो, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, और यहां पर रीडर्स लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स कब आएगा, स्टूडेंट्स आएगा जब स्कूल की तरफ से नोटिस लिखा जा रहा, कोई स्कूल के कोई स्कूल का डेजिग्नेशन है आपको, या रीडर्स किसके लिए लिखा जा रहा है, रीडर्स तब लिखा जा रहा है जब आप कोई क्लब के डेजिग्नेटर हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन के हैं। तो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स और पब्लिक करके रीडर्स दैट, अब हमने यहां पर रिस्ट वॉच के लिए लिखा है कि रिस्ट वॉच कोई भी है हमारी, है या पाई हुई है, दोनों चीज के लिए, ए रिस्ट वॉच हैज बीन फाउंड। जो रिस्ट वॉच है, देख रही है ना रिस्ट वॉच, हाँ ये मुझे मिली है, समझिए, हाँ? तो ये रिस्ट वॉच जो फाउंड हुई है या फिर लॉस्ट, केवल एक शब्द का अंतर है। यदि फाइंड हुई है तो फाउंड लिख देंगे, और लूज हुई है तो
लौटने लग जाएंगे इन द प्लेग्राउंड। हाँ, तो सभी को या विद्यार्थियों को या जो अन्य पाठकगण हैं उनको इस बात की सूचना दी जाती है कि एक रिस्ट वॉच मिली है या हो चुकी है और कहाँ हुई है, प्लेग्राउंड में। ठीक है, अब उसके फीचर्स के बारे में बताएंगे कि कैसी की क्या है। इट हैज ए गोल्डन केस है उसका। इट्स चेन इज ऑल्सो मेड ऑफ गोल्ड। एक दो फीचर बता दिया हमने बड़े आराम से। अरे भाई अपनी चीज है, फीचर बताएंगे हम तो और बड़ा चढ़ा करके बोलेंगे ना। हाँ, लेकिन नोटिस में करना क्या, बड़ा चढ़ा करके नहीं बोलना है। बड़ा चढ़ा करके वही बात आ जाएगी, वो जो कुल्हाड़ी गिर गई थी कि महाराज मेरी तो कैसी कुल्हाड़ी थी, सोने की थी। हाँ क्या नहीं, सोने की महाराज, ईमानदारी में आऊं तो सोने की नहीं है। फिर उसने कहा कि चांदी की भी नहीं है। उसने कहा साहब मेरी तो लोहे की है। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, ऐसा ही केस एक उनके साथ हुआ था, एक टीचर के साथ, कि उनकी वो पत्नी किसी तरह से नदी में गिर गई। हाँ, जब वो निकल करके आई, हाँ, तो उन्होंने सोचा जो वो जल के देवता थे तो वो पहले ऐश्वर्या राय को ले आए निकल करके। बोले ये है क्या? तो मास्टर जी ने कुछ देर सोचा, बोले हाँ हाँ ये ही है। बोले अच्छा दुष्ट मास्टर, हाँ अपनी बात पर नहीं जम रहा है। बोले महाराज यदि आप मैं बोलता कि ये नहीं है तो आप फिर दूसरी निकाल करके आते, फिर तीसरी निकाल करके आते। बोलते बड़ी ईमानदारी से मैं तुम्हारी से बड़ा खुश हूँ, तीनों को ले जाओ महाराज, मेरा तो एक से काम नहीं चल रहा है। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है कि जो वास्तविकता है वो बतानी है। खैर चलते हैं, थोड़ा सा जो हुआ है तो किसका बना हुआ है, अब उसका हमें समय और स्थान भी बताना है। इट वॉज फाउंड, हाँ कहाँ पाई या कहाँ हुई, लॉस्ट ऑन। तो यहां पर हमें डेट डालनी है, क्या डालनी है, डेट। डेट डाल देंगे यहां पर, पेन भी मजाक कर रहा है। हाँ क्या डालेंगे, डेट। ठीक है, कौन सी डेट को हुई है, और एट, एट का मतलब यहां पर टाइम डालेंगे, कब हुई है या कब पाई है। हाँ तो क्या लिखा हुआ है, इट इज, इट वॉज फाउंड और लॉस्ट ऑन, डेट डाल दिया, टाइम डाल दिया, नियर द हॉकी फील्ड, हॉकी फील्ड के आसपास मिली या वहां पर खोई थी। द ओनर, अब इसका जो मालिक है या फाइंडर, भाई जिसकी जिसको फाउंड हुई है वो तो फाउंडर है, जिसकी मतलब लूज हुई है वो फाइंडर के लिए बोलेगा, और जिसकी जिसको फाउंड हुई है कोई चीज, मान लो कोई हुई जिसको मिली है वो तो ओनर के लिए, कि किसकी है उसके लिए बोलेगा, और जिसकी लूज हुई है जिसको मिली है वो उसके लिए बोलेगा। ठीक है ना, तो द ओनर या फाइंडर ऑफ द वॉच कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन, और यहां पर आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, कोई भी एड्रेस है या कोई नंबर है, मोबाइल नंबर है, उस पर लिख सकते हैं। अलोंग विद एन आइडेंटिटी प्रूफ, हाँ उसका एक प्रूफ भी देना होगा, ऐसे नहीं वैसे ही बोल दिया कि साहब ये मेरी है। हाँ एक प्रूफ के साथ देना होगा, उसके बाद आप अपना नेम डालेंगे और फिर उसका डेजिग्नेशन डालेंगे। नेम कोई भी डाल सकते हैं जो आपका नेम है, डेजिग्नेशन आप प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, कुछ भी हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये जो लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस है वो समझ में आएगा। हाँ थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।